आपके स्वास्थ्य से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए आयुर्वेद केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर नए वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। इक्कीसवें सप्ताह के गर्भावस्था में आप सभी माता पिताओं का हार्दिक स्वागत है। 21वें सप्ताह में आपका बेबी अपने प्लासेंटा यानी अपरा इतना बड़ा होता है। इस वक्त आपके बच्चे की ऊंचाई लगभग 20 सेंटीमीटर तो वजन 325 ग्राम होता है। इस सप्ताह से माँ अपने बेबी की हिचकियाँ महसूस कर सकती हैं। सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ बच्चों को दिन में कई बार या कुछ को बहुत कम बार हिचकियाँ लगती हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उसकी हरकतें आप पहले से ज्यादा महसूस कर सकती हैं। आपके बच्चे के जबान पर टेस्ट बर्ड्स निर्माण होते हैं और वह उन खाद्य पदार्थों के स्वाद को अपने माँ के एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए चख सकता है जो माँ सेवन करती है। आपका बच्चा इस एमनियोटिक फ्लूइड में खेलने लगता है। इसी के साथ उसकी आंतों में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस भी होने लगते हैं, जिससे आगे जाके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट निर्माण होते हैं। आपके बच्चे के अस्थियों में खून बनने की क्रिया तेजी से होने लगती है। बच्चे की रक्ताभिसरण क्रिया पूर्ण रूप से कार्य करने लगती है। 21वें सप्ताह तक आपके बेबी की भौहें और पलकें पूरी तरह बनकर तैयार होती हैं। बच्चे के हाथ और पैरों के उंगलियों पर नाखून बनकर तैयार होते हैं। आपका बेबी जागना और सोना दैनिक क्रम से करने लगता है। 21वें सप्ताह से आपको छाती में जलन और अपचन हो सकती है, इसलिए आपको तीखा और ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। इस दौरान कभी कभी आपको गर्भाशय में अचानक खिंचाव महसूस हो सकता है। इसको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। यह बिल्कुल नॉर्मल है। ये कुछ देर में अपने आप बंद होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस या खिंचाव कम ना आने पर तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेना न भूलें। 21वें सप्ताह से आपकी पेट की त्वचा में खिंचाव चालू होता है, जिससे खुजली हो सकती है। इसके लिए बेबी ऑयल या लोशन का इस्तेमाल कीजिए। अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहने पर आपको खुजली कम सताएगी। आपका बेबी जैसे जैसे बड़ा होने लगता है आपकी त्वचा खींचने और पतली होने लगती है, जिससे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। बच्चे के जन्म के बाद यह धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं 22वें सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भ में होने वाले बदलाव को लेकर। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।